अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारी के सारी डेफिनेशन हैं और फार्मूले हैं। डिफाइन डिस्काउंट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ये डेफिनेशन और फार्मूले हैं। तो इनके मैं आपको बुक के ऊपर ही निशान लगवा देता हूँ। आप भी अपनी बुक खोल लें और साथ साथ आप निशान लगाते जाएँ। तो आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले पेज नंबर 39 पेज नंबर है। 39 पेज नंबर के ऊपर डेफिनेशन है डिस्काउंट की, यहाँ से शुरू करनी है। रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस, रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस ऑफ एन आइटम। तो स्टेटेड प्राइस कौन सी होती है? किसी चीज़ के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है उसे हम कहते हैं स्टेटेड प्राइस। जहाँ से बाजार जाते हैं, कोई ब्रांड पर जाते हैं, तो हर आइटम के ऊपर उसकी प्राइस लिखी होती है, उसे कहते हैं स्टेटेड प्राइस। रिडक्शन कमी इन स्टेटेड प्राइस ऑफ एन आइटम और इन ए बिल रिसीव्ड बाय द परचेजर फ्राम द सेलर। तो जो बायर है, परचेजर है, वो सेलर से किसी चीज़ की स्टेटेड प्राइस में जो कमी वसूल करता है उसे कहते हैं डिस्काउंट। ये डेफिनेशन बस इतनी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टेटेड प्राइस। स्टेटेड प्राइस, इट इज़ अ प्राइस एट विच एन आइटम इज ऑफर्ड फॉर सेल। तो जिस कोई आइटम की जितनी सेल प्राइस होती है उसे कहते हैं स्टेटेड प्राइस टू जनरल पब्लिक विदाउट हैविंग एनी डिस्काउंट। जो स्टेटेड प्राइस होती है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होती। इट इज़ अ प्राइस एट विच एन आइटम इज ऑफर्ड फॉर सेल टू जनरल पब्लिक विदाउट हैविंग एनी डिस्काउंट। तो वो ये, यानी जो चीज़ किसी चीज़ के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है जिसमें कोई डिस्काउंट शामिल नहीं होती उसे कहते हैं स्टेटेड प्राइस। दिस प्राइस इज आल्सो कॉल्ड, जो स्टेटेड प्राइस है उसके मुख्तलिफ नाम है। क्या नाम है? सेलिंग प्राइस। इसका नाम, स्टेटेड प्राइस का दूसरा नाम क्या है? सेलिंग प्राइस भी इसे कहते हैं, जिसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, जिसको मार्केट प्राइस या फेस वैल्यू, ये सारे स्टेटेड प्राइस के मुख्तलिफ नाम हैं। यह तो आपने डेफिनेशन याद करनी है। फिर है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस कौन सी होती है? इट इज़ अ प्राइस एट विच कस्टमर परचेजिंग एन आइटम आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट। जैसे कोई आइटम है 1000 रुपये की है, 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाती है, वो 900 रुपये की आकर मिल जाती है। जो नई, तो ऐसी प्राइस जिसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर देते हैं उसे कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। इट इज़ द प्राइस एट विच कस्टमर परचेजिंग एन आइटम आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंटेड प्राइस होगी। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है? अमाउंट ऑफ, यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट AD से क्या मतलब? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मीन्स, जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है उसका क्या मतलब है? हाउ मच अमाउंट इज डिडक्टेड एज ए डिस्काउंट। डिडक्ट करना होता है काटना, कम करना। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मीन्स हाउ मच अमाउंट इज डिडक्टेड एज ए डिस्काउंट। ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का फार्मूला कि कितने अमाउंट आप किसी स्टेटेड प्राइस से डिडक्ट करते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट रेट DR, डिस्काउंट रेट। ये अलहदा डेफिनेशन है। डिस्काउंट रेट मीन्स हाउ मच पार्ट ऑफ द स्टेटेड प्राइस इज डिडक्टेड एज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रेट होता है, ये परसेंटेज में होता है, कितने परसेंट है। डिस्काउंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होती है? कितने पैसे डिस्काउंट हुआ, यानी 100 रुपया, 200 रुपया। जो डिस्काउंट रेट होता है ये क्या होता है? परसेंटेज होती है, 5%, 10%, ये डिस्काउंट रेट होता है। अब इसका फार्मूला भी पूछा जाता है। जो डिस्काउंट रेट है उसका फार्मूला बताएं। चार्ट क्वेश्चन में आता होता है, तो फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला क्या है डिस्काउंट रेट का? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट AD डिवाइडेड बाई स्टेटेड प्राइस SP मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये फार्मूला, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाई स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये फार्मूला भी चार्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको भी आपने याद करना है। उसके बाद है जी पेज नंबर 41। इसके आखिर में नीचे आ जाए सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या डेफिनेशन है सक्सेसिव
डिस्काउंट, यहाँ से शुरू करेंगे इफ से। इफ इफ इन एनी बिजनेस डील यू हैव टू गिव मोर देन वन डिस्काउंट, डैट इज डिस्काउंट रेट वन। डी एल वन से क्या बनाते हैं, डिस्काउंट रेट वन, यानी फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट, थर्ड डिस्काउंट, फोर्थ डिस्काउंट, सो ऑन। देन द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट प्रॉब्लम। ये डेफिनेशन है सक्सेसिव डिस्काउंट की, जब आप ए से ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं उसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका फार्मूला, इसका फार्मूला फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस, क्या फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस कर, एस पी क्या चीज़ है स्टेटेड प्राइस। फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल स्टेटेड प्राइस इनटू वन, वन माइनस फर्स्ट डिस्काउंट, वन माइनस सेकंड डिस्काउंट, वन माइनस थर्ड डिस्काउंट, वन माइनस फोर्थ डिस्काउंट एंड सो ऑन। ये फार्मूला भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है क्वांटिटी डिस्काउंट, पेज नंबर 42। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए, पेज नंबर 42 के ऊपर, तो वहाँ पर है डिस क्वांटिटी डिस्काउंट। तो अनदर, ये इसका क्वांटिटी डिस्काउंट का फार्मूला, इसकी डेफिनेशन है, अनदर वे ऑफ ऑफरिंग डिस्काउंट इज क्वांटिटी डिस्काउंट। इधर से शुरू करेंगे, इधर से, इन क्वांटिटी डिस्काउंट वी ऑफर मोर क्वांटिटी देन एक्चुअल क्वांटिटी डेट कैन बी परचेज बाई ए स्पेसिफिक अमाउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या होता है, आप जितनी आप एक चीज़ खरीद सकते हैं उससे आप ज़्यादा चीज़ उसको दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाई वन गेट टू, यानी एक के साथ एक फ्री, ये इसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। या वन सेवन एप बॉटल विथ एवरी क्रेट 24 बॉटल, अगर एक क्रेट लेते हैं उसके साथ आपको ये सेवन एप बोतल फ्री मिलती है, इसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। ये दो डेफिनेशन में साल लिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो जो दो एग्जाम्पल हैं ये भी हमने साथ लिख रही है। फाइनलाइज इज़ योर टू कन्वर्ट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डिस्काउंट का रेट है, रेट ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट, ये हमारा फार्मूला, रेट ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट का फार्मूला, ये भी हमने याद रखना है कि इज़ इक्वल क्या है, डिस्काउंटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई डिस्काउंटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये है इसकी एक्सरसाइज 1.4 की शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको सारे सवाल आएंगे, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।